नमस्कार, मैं डॉक्टर मयूरी कोठेवाला हूँ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी जयपुर से। आपका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट चैनल में, जिसमें हम डिस्कस करते हैं महिलाओं से रिलेटेड सारे हेल्थ इश्यूज, कंसर्न्स, सारी प्रॉब्लम्स, प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज और उनके ट्रीटमेंट्स, उनके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो आज का मेरे इस वीडियो का विषय है बार्थोलिन सिस्ट। बार्थोलिन सिस्ट क्या होती है, क्यों हो जाती है, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं उसके, आप उसकी प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हो और ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपकी जो वजाइना है उसके दोनों तरफ एक ग्लैंड होती है, उसको हम बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। बार्थोलिन ग्लैंड का जो फंक्शन है वो आपकी वजाइना को मॉइस्ट रखना, लुब्रिकेटेड रखना और वजाइना की क्लीनिंग में हेल्प करना, ये काम उसके होते हैं। तो वजाइना के दोनों तरफ एक एक ग्लैंड होती है जिसको हम बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। बार्थोलिन ग्लैंड इसलिए ज़रूरी हैं ताकि आपको इंटरकोर्स के टाइम पे फ्रिक्शन ना फील हो, वेटनेस, मॉइस्टनेस रहे, ल्यूब्रिकेटेड रहे वजाइना, उसकी क्लीनिंग में हेल्प मिले और वजाइनल इन्फेक्शन से हमको प्रिवेंशन मिले। लेकिन कई बार ये बार्थोलिन ग्लैंड्स की अगर ओपनिंग ब्लॉक हो जाए किसी वजह से, या तो वजाइनल सेक्रीशंस की वजह से या किसी और फ्रिक्शन, ट्रॉमा, किसी भी वजह से अगर ये ब्लॉक हो जाए, तो उसके जो सेक्रीशंस हैं, वो जो अपना फ्लूइड प्रोड्यूस करती हैं ग्लैंड्स, वो अंदर ही अंदर कलेक्ट होने लगती है, ब्लॉक होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो उस कंडीशन में बार्थोलिन ग्लैंड्स की जो साइज़ है वो बड़ी हो जाती है, वो आपको एक सिस्ट की तरह दिखाई दे सकते हैं, उसको हम बार्थोलिन सिस्ट कह देते हैं। बार्थोलिन सिस्ट अगर 3 से 4 दिन से ज़्यादा बॉडी में प्रेजेंट रह जाए, अपने आप से फूट के उसका जो कलेक्शन है वो ड्रेन नहीं होता, तो ये इन्फेक्ट भी हो सकती है, इसमें पस पड़ सकती है, उसको हम बार्थोलिन एब्सेस कह देते हैं। तो बार्थोलिन सिस्ट और एब्सेस का जो ट्रीटमेंट है वो होम रेमेडी से भी हो सकता है। इनिशियली अगर हम कोशिश कर रहे हैं इसको टाइम पे ही ट्रीट करने का, तो घरेलू कुछ नुस्खे होते हैं उससे अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बार्थोलिन एब्सेस अगर बन जाए तो उसका सर्जिकल ड्रेनेज और मार्सिपलाइजेशन, सिस्ट एक्सीजन, ये सब कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उनके बारे में मैं डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊँगी, तो एंड तक इसको ज़रूर देखिएगा। तो आइए बात करते हैं बार्थोलिन सिस्ट या बार्थोलिन एब्सेस के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो जब ये सिस्ट बहुत ही छोटी होती है, इनिशियली जैसे ही सिस्ट बनने लगती है, तो कई बार ये आपको नोटिस भी नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे सिस्ट का साइज़ बड़ा होता है, तो आपको एक नीचे एक गांठ फील हो सकती है, एक मास सा फील हो सकता है वजाइना के, या तो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, और अगर दोनों ही सिस्ट ब्लॉक हो गई हैं तो दोनों साइड पे भी रेयरली, लेकिन ये पॉसिबल है कि बार्थोलिन सिस्ट प्रेजेंट हो। आपकी जो वजाइना है उसके निचले हिस्से में होती है बार्थोलिन सिस्ट, इंपॉर्टेंट है। ऊपर के जो हिस्से में अगर कोई सिस्ट है तो वो बार्थोलिन सिस्ट नहीं होगी, वो कोई और वजाइनल ग्लैंड की सिस्ट हो सकती है। बार्थोलिन सिस्ट लोअर 1/3 में ही होती है, जो वजाइना की ओपनिंग है उसके एकदम निचले हिस्से में अगर कोई गांठ बन रही है, आपको सिस्ट फील हो रही है, तो वो बार्थोलिन सिस्ट हो सकती है। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर ये बहुत छोटी है तो आपको फील भी नहीं होगी, लेकिन जब तक इसमें इन्फेक्शन नहीं हो जाता, पस नहीं पड़ जाती, तो जनरली सिस्ट एक मास की तरह फील होती है, अदरवाइज उसमें कोई पेन या इन्फेक्शन जैसे सिम्टम्स नहीं होते, आपको फीवर ऐसा कोई कंप्लेन नहीं होता। लेकिन एक बार अगर इस सिस्ट में पस पड़ने लग जाए, एब्सेस हो जाए, तो फिर इसको हाथ लगाने में भी बहुत दर्द होता है, पेशेंट को चलने फिरने में दर्द होता है, फीवर आ सकता है, और एब्सेस में सिस्ट का साइज जनरली बहुत ही बड़ा हो जाता है। अगर सिस्ट अपने आप से फूट जाए, एब्सेस अपने आप से रप्चर हो जाए, तो आपको उसमें से पस निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। जब भी आपको ऐसा कोई मास या लंप या कोई ऐसी गांठ दिखती है वजाइना के निचले हिस्से पे, तो आपको अपने डॉक्टर से जल्द अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, और डॉक्टर में भी गायनेकोलॉजिस्ट ही इस सिस्ट को देखते हैं। आपको किसी और डॉक्टर के पास, स्किन के डॉक्टर के पास या सर्जन के पास नहीं जाना है, आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ही कंसल्ट करना है सिस्ट के लिए। जब भी आपको कोई गांठ दिखती है निचले हिस्से पे, आप 1 या 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन तक आप घर पे इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस गर्म पानी के टब में बैठना है, दिन में कई बार, 4 से 5 बार भी आप एक गर्म पानी का टब लेके उसमें 15 से 20 मिनट तक अपने प्राइवेट एरिया को सोक करके रखें, तो उससे इस सिस्ट को जो है फूटने में हेल्प मिलती है, उसका सेक्रीशन ड्रेन होने में हेल्प मिलती है, तो कई बार ये अपने आप से कंट्रोल हो सकता है। बट अगर 3 डेज हो चुके हैं और उसमें भी अगर कंट्रोल नहीं आ रहा है, सिस्ट
पेनफुल हो रही है, आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम कर रही है, या साइज में बढ़ रही है, या आपको लगता है कुछ मवाद सा पड़ने लग गया है, तो आपको और टाइम वेस्ट नहीं करना है और तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि सिस्ट क्यों हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, बार्थेलिन ग्लैंड्स, दो ग्लैंड्स होती हैं वजाइना के दोनों तरफ, उन ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है। जैसे कि बॉटल को आप इमेजिन करो, बॉटल में एक नेक होता है और नीचे बॉटल का जो मेन पार्ट होता है वो होता है। तो जब हर ग्लैंड का एक नेक पार्ट होती है, अगर उस नेक को हम किसी चीज़ से ब्लॉक कर दें, यानी हम किसी बलून का एग्जांपल ले लेते हैं, बलून की नेक को हम उसमें वाटर फिल करें और उसकी नेक को ब्लॉक कर दें, तो वैसा ही पिक्चर आप इमेजिन करिए। जो भी ग्लैंड्स होती हैं उनमें कंटिन्यूसली सेक्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन अगर उसका जो आउटलेट है जहाँ से वो उसका सारा सेक्रेशन बाहर निकलना है, उसको हम अगर दबा के बंद कर दें तो वो अंदर ही अंदर कलेक्ट होता रहता है और वो स्वेलिंग आ जाती है। तो बार्थेलिन सिस्ट का जो मोस्ट कॉमन रीज़न है होने का, वो होता है इन्फेक्शन। इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली ईकोलाई नाम से बैक्टीरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं इसका रीज़न, जैसे कि क्लमाइडिया, गोनोरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया और दूसरे ट्रेपेजॉइड्स, ये सब इसके इन्फेक्शन के कॉज हो सकते हैं। इन्फेक्शन के अलावा, या तो नीचे आपको किसी वजह से ट्रॉमा हुआ है, चोट पहुँची है, या जैसे अपन पैंटी पहनते हैं, टाइट फिटिंग पैंटीज पहनते हैं, उसकी वजह से फ्रिक्शन से होके ग्लैंड का जो ओपनिंग है वो ब्लॉक हो जाए, या फिर जो दूसरे सेक्रेशंस हैं वजाइना के, उनकी वजह से आपकी ग्लैंड की ओपनिंग ब्लॉक हो जाए, ये बहुत सारा रीजंस इसके हो सकते हैं और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो जब भी बार्थेलिन सिस्ट या एब्सेस होती है, पेशेंट्स को हम यही समझाते हैं कि जितना हो सके आप अपना वजाइना को क्लीन रखिए, अपनी जो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं या जनरल हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं आप उनको मेंटेन रखिए। इसके अलावा आपके हाथ में और ज़्यादा कुछ है नहीं, आप बस अपना वजाइना क्लीन रखेंगे तो चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, जो इन्फेक्शन की वजह से सिस्ट बन रहे हैं वो कंट्रोल में आ जाती हैं। आप कॉन्डम्स का यूज़ कर सकते हैं इंटरकोर्स के टाइम पे, जिससे कि आपके पार्टनर से आपको कोई इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो। इंटरकोर्स के बाद और इंटरकोर्स से पहले हमेशा वजाइना को वॉश करके ड्राई करें, हमेशा यूरिन पास करने की हैबिट रखिए इंटरकोर्स से पहले और बाद में, हमेशा अपना ब्लैडर खाली कर लीजिए। तो जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डायग्नोसिस बनाने के लिए आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछेंगे, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपकी सर्जिकल हिस्ट्री, आपको कोई पास्ट में वजाइनल इन्फेक्शंस तो नहीं हुए, ये सब वो हिस्ट्री प्रॉपर लेते हैं। फिर उसके बाद नीचे एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जब हमारे पास गर्ल्स आती हैं, यंग गर्ल्स, वो हेजिटेट होती हैं, हिचकती हैं एग्जामिनेशन में सिस्ट को हाथ लगवाने में, क्योंकि वो कई बार पेनफुल होती है, तो लेकिन उससे हमें हमारे डायग्नोसिस बनाने में दिक्कत आती है। तो इसलिए आपसे यही मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आप अपने डॉक्टर के पास या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो उनको अपना काम करने दीजिए, उनको प्रॉपर एग्जामिनेशन करने दीजिए, ताकि वो एक कंक्लूजन पे पहुँच सकें, डायग्नोसिस पे पहुँच सकें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बार्थेलिन सिस्ट जो है वो वजाइना के लोअर पार्ट में ही होती है, लोअर वन थर्ड पार्ट में होती है। अगर अपर पार्ट में आपको कोई स्वेलिंग है तो वो किसी और रीज़न से हो सकती है, कोई दूसरी ग्लैंड से हो सकती है। तो इसीलिए एग्जामिनेशन के बाद एक डायग्नोसिस पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है आगे के ट्रीटमेंट के लिए। अगर आपको ऑलरेडी सिस्ट में इन्फेक्शन हो चुका है, एब्सेस, बार्थेलिन एब्सेस बन चुका है, तो उसमें से कुछ सैंपल कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भी भेजने पड़ सकते हैं। अगर आपकी एज जो है वो मीनोपॉज के आसपास है, यानी 40 साल के आसपास है, और वो डाउटफुल लग रहा है कि वो गांठ जो है वो बार्थेलिन सिस्ट है या कुछ और भी है, तो उसमें से बायोप्सी भी लेनी पड़ सकती है। लेकिन वो सब आपके डॉक्टर आपको एग्जामिनेशन के बाद, प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग के बाद समझाते हैं। तो आइए बात करते हैं कि बार्थेलिन सिस्ट या एब्सेस अगर हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो जैसा मैंने अपने वीडियो में पहले बताया, बार्थेलिन सिस्ट अगर बहुत छोटी है या आपको कोई सिम्टम कॉज नहीं कर रही है, जस्ट एक या दो दिन में ही आपको मतलब समझ में आने लगा है कि आपको कुछ ऐसी गांठ महसूस होने लगी है निचले हिस्से में, तो आप उसको घर पे भी मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें आपको बस एक गर्म पानी का टब लेना है, उसमें उस पार्ट को, प्राइवेट पार्ट को सोक करके रखना है 15 से 20 मिनट, और ये आपको दिन में कई बार करना पड़ेगा। लेकिन अगर दो या तीन दिन में मैक्सिमम आपको कोई कंट्रोल नहीं लगता है उसकी साइज़ में, या फिर उसकी सीवियरिटी बढ़ रही है, वो ज़्यादा पेनफुल हो रही है, आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम कर रही है, या आपको फीवर आने लगा है उसकी वजह से, तो आपको और लेट नहीं करना है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है।
तो अगर बार्थलिन सिस्ट है और वो बहुत बड़ी है, बड़ी साइज में है, और साथ में उसके सिम्टम्स हैं, उसमें जो सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं उसमें ये होता है कि हम उसको चीरा लगा के उसका जो भी कलेक्शन है उसको निकाल देते हैं। अगर सिस्ट में इन्फेक्शन हो चुका है, पस पड़ चुका है, ऑलरेडी बार्थलिन एब्सिस बन चुका है, तो उसमें एंटीबायोटिक का रोल रहता है। आपको थोड़ा ज़्यादा दिन तक, 7 से 10 दिन तक हम लोग एंटीबायोटिक कवरेज देते हैं ताकि वो सिस्ट जो है वो, उसमें जो इन्फेक्शन हुआ है वो कंट्रोल हो सके और वो सूख सके। वो अपने आप कई बार ड्रेन हो जाता है एंटीबायोटिक कोर्स के बाद, वो फूट के अपने आप जो भी उसमें कलेक्शन है वो फूट जाती है। तो सर्जिकल ऑप्शंस में एक तो हो गया इंसिजन एंड ड्रेनेज, जब हम उसमें छोटा सा चीरा लगा के उसके अंदर जो भी कलेक्शन है उसको निकाल देते हैं। दूसरा ऑप्शन रहता है मार्सिपलाइजेशन। मार्सिपलाइजेशन में हम जो है उस गांठ को, सिस्ट को निकाल के उसको ड्रेन करके ऐसे इस तरीके से टांके लगाते हैं कि एक छोटी सी ओपनिंग बन जाती है उधर, और वो हेल्प करती है सिस्ट को दोबारा नहीं बनने में और उसका जो भी कलेक्शन है वो साथ के साथ ड्रेन होता रहे। तीसरा ऑप्शन होता है सर्जिकल, कि सिस्ट को एक्साइज कर दो, सिस्ट को उसकी वॉल के साथ पूरा का पूरा चीरा लगा के पूरे की पूरी सिस्ट को एक साथ ही बाहर निकाल के बायोप्सी के लिए भेज दिया जाता है। तो ये सब डिपेंड करते हैं कौन सा सर्जिकल ऑप्शन आपके केस में फिट रहेगा, कब चूज़ करना है, वो सब आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो था बार्थलिन सिस्ट और बार्थलिन एब्सिस के ऊपर, उसके बारे में जितना हो सकता था मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इस वीडियो में। और मेरा यही टिप है आपके लिए कि आप अपने वजाइना की जो जनरल हेल्थ है उसको प्रॉपर मेंटेन रखिए और नॉर्मल छोटे मोटे इन्फेक्शन से अपने आप को बचा के रखिए, ताकि बार्थलिन सिस्ट और एब्सिस जैसे बड़ी समस्याएं अपने लिए डेवलप ना हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये बार्थलिन सिस्ट की जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है गर्ल्स के अंदर। तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।